સેલવાસમાં સમાજસેવક કૌશિલ શાહના ઉપનિર્દેશક મોહિત મિશ્રાને તારપા મહોત્સવ ચાલુ કરવા અંગે રજૂઆત કરી હતી, ત્યારે 8 વર્ષ બાદ તારપા મહોત્સવને ચાલુ કરવામાં આવ્યો હતો. આ તારપા ઉત્સવ સદીઓથી આદિવાસી લોકો દ્વારા મનાવવામાં આવે છે. તારપા ફેસ્ટિવલ જો હે વો સિર્ફ એક માત્ર સ્ટેટ ફેસ્ટિવલ હે, ઓફિશિયલ સ્ટેટ ફેસ્ટિવલ હે દાદરા નગર હવેલી કા. और तारपा फेस्टिवल का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है. ये प्रदेश जो है वो आदिवासी प्रदेश है. दादरा नगर हवेली के आदिवासियों की जो खासकर जो ग्रामीण विस्तार में जो आदिवासी रहते हैं उनकी संस्कृतियाँ और परंपरा आज भी संभली हुई है, उसकी भव्यता और मूल्यता आज भी बरकरार है. तो ऐसे में तारपा फेस्टिवल एकमात्र ऐसा फेस्टिवल था जो सभी आदिवासियों को अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी प्रतिभा को सभी समाज के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने लाने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म था. और ये पिछले 3-4 सालों से रुका हुआ है उसका आयोजन. मेरे ख्याल से पहले जब हमने ये स्टेडियम ग्राउंड का जो काम, रिनोवेशन का जो नया काम शुरू हुआ था, तब से इसका आयोजन नहीं हो रहा है. वैसे ये कार्यक्रम को स्टेडियम ग्राउंड के ऊपर आयोजन करने में खिलाड़ी, खास तौर पर खेल प्रेमियों को पहले से ही थोड़ी आपत्ति रही है. लेकिन पहले से ही सभी ने, चाहे खेल प्रेमी हो, चाहे आदिवासी समाज हो पूरा, चाहे हमारे नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी या सर्व समाज, कोई भी, पूरे दादरा नगर ने हमेशा तारपा फेस्टिवल का स्वागत किया है, उसको हमेशा सहयोग दिया है. ये 4-5 सालों से, 3-4 सालों से जो रुका हुआ है वो एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है. पता नहीं है सही कारण क्या है, लेकिन इसको, ये इसका आयोजन होता रहना चाहिए था. और हमने बहुत पहले सुझाव दिया था कि इसका आयोजन रोटेट सिस्टम से होना चाहिए. कभी सिलवासा में हो, कभी खानवेल में हो, कभी दपाड़ा में हो, कभी रांधा हो, कभी दुधनी हो. तो ये जो कार्यक्रम का जो एक मेन मोटो है, वो मनसा जो है इसके पीछे, ट्राइबल संस्कृति को और उसकी परंपराओं को, उसकी कला प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का, वो और ज़्यादा अच्छी तरह से परिपूर्ण होगी और नज़दीक से वो उसकी भव्यता देखने को मिलेगी सबको. मैंने आज ही एक पत्र लिखा है हमारे प्रवासन विभाग के जो उपनिदेशक है मोहित मिश्रा जी को कि इसका आयोजन शुरू होना चाहिए. पूरे आदिवासी समाज की तो मांग है, होती ही रही है पिछले 4-5, जब से रुका है तब से आदिवासी समाज कोई ना कोई विभिन्न प्लेटफॉर्मों के जरिए ये मांग उठाता रहा है कि आखिरकार तारपा फेस्टिवल क्यों बंद किया गया, उसे पुनः चालू करें. तो और इसके साथ पूरे, सिर्फ ट्राइबल नहीं, पूरे प्रदेश की जनता की, सभी समाज वर्ग की ये भावना है कि तारपा फेस्टिवल शुरू होना चाहिए. तो इसलिए मैंने आज एक पत्र लिखा है प्रवासन विभाग को और उनसे गुजारिश की है कि इसी साल से उसको पुनः शुरू करने के प्रयास होने चाहिए. प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नेतागण, सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि इसी साल से उसको कैसे शुरू किया जाए. हर साल यह कार्यक्रम हमेशा मध्य दिसंबर के बाद शुरू होता था, क्रिसमस के आसपास, पहले या बाद में. तो इस बार हमारे पास वक्त भी है और अगर अभी से इसकी तैयारियां शुरू करें या इस कार्यक्रम के ऊपर काम शुरू करें तो मेरे ख्याल से दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 15 तक इसका आयोजन हो सकता है. और उसके लिए सारी संभावनाओं को देखने की गुजारिश की है मैंने पत्र के द्वारा. खास मैंने इसकी एक कॉपी समाहर्ता और आदरणीय प्रशासक श्री को भी भेजी है. प्रशासक श्री को खुद अगर इसमें अगर रुचि लेते हैं तो फिर इसका आयोजन बहुत हद तक संभव हो जाएगा इस साल से ही. और मुझे आशा है कि प्रशासन इस पर सकारात्मकता से सोचेगा. श्री प्रफुल्ल पटेल के आने के बाद कई सारे हमारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, विकास के हो, चाहे कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक हो, योगा डे है वगैरह, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, बहुत अच्छे स्तर पर आयोजित होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये आयोजित होते आए हैं. तो हमें उम्मीद है कि प्रशासक श्री इस पर भी ध्यान देंगे. तारपा फेस्टिवल एकमात्र आधिकारिक ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल है इस प्रदेश का. अगर उसका थम जाना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है और अब उसे फिर से शुरू कर देना चाहिए. और इसके लिए प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए कि इसी साल से इसको कैसे शुरू किया जाए.